अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, हमने तमहीदी वीडियो में खुतूत के मुतालिक मालूमात हासिल की। अब आइए जमात नहुम के दर्सी किताब में शामिल नौवां सबक खुतूत, जिसके मुसन्निफ जिसके खुतूत निगार हबीबुर रहमान सिद्दीकी साहब है, उनके हालात ज़िंदगी के मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं। हबीबुर रहमान सिद्दीकी मिर्ठी 21 मार्च 1898 को पैदा हुए। मशहूर शायर मौलवी मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी उनके दुदियाली रिश्तेदार थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने नाना से हासिल की। उनके भाई उन्हें अपने साथ नागपुर ले आए थे। हबीबुर रहमान ने नागपुर और अमरावती से बीए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया। वो पक्के मजहबी आदमी थे। उनका हाफिजा जो था बहुत गैर मामूली था। मौसीकी का जौक भी रखते थे, यानी उन्हें मौसीकी में भी बहुत दिलचस्पी थी। वो अमरावती में दरस तदरीस से वाबस्ता रहे और हेडमास्टर यानी सदर मुदर्रिस के अहदे तक तरक्की की। 20 जुलाई 1971 को अमरावती में उनका इंतकाल हुआ। दर्सी किताब में 3 खुतूत दिए गए हैं, जिनमें एक बाप अपनी बेटी और बेटे को कुछ अखलाकी बातें नसीहतें और इल्मी मसाइल से आगाह कर रहा है।